वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। दिस इज पार्ट 18 ऑफ अवर ज्योमेट्री लेक्चर सीरीज। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले ज्योमेट्री के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 18 तक पक्का देख लें, पार्ट सॉरी 17 तक पक्का देख लें। पार्ट 1 से लेकर 15 तक हम लोगों ने ट्राइंगल डिस्कस किया हुआ है, उसकी थ्योरी डिस्कस की है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करे हुए हैं। उसके बाद पार्ट 15th और पार्ट 16th और 17th पे हम लोगों ने पॉलीगन्स किया था। पार्ट 16 पे हमने पॉलीगन से रिलेटेड थ्योरी देखी थी और पार्ट 17 में कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। ठीक है, अभी हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार सारी थ्योरी ख़त्म हो जाए आप लोगों की ट्राइंगल पॉलीगन्स और सर्कल के, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? आज से हम लोग सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? जो लोग अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो मुझे मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स चैनल के मिलते रहे। क्लियर? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल। सर्कल के साथ साथ आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल में अब पाइथागोरस ट्रिपलेट के बहुत यूज होते हैं। क्लियर? तो अब ये जानने की बारी आ चुकी है, अब आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट एंड ऑल कंसेप्ट। क्लियर? चलो देखते हैं सर्कल होता क्या है, ये तो सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सर्कल क्या होता है? अगर सर्कल की मैं बात करूं तो सर्कल ऐसा ही एक लोकस है, ठीक है, विच इज एट फिक्स डिस्टेंस, विच इज एट विच मूव्स एट फिक्स डिस्टेंस एट हाँ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर एक पॉइंट को फिक्स्ड कर दिया जाए और एक डिस्टेंस को भी फिक्स्ड कर दिया जाए, ठीक है, और इस डिस्टेंस पे जो ये ट्रैक होगा पाथ, दिस पाथ इज सर्कल। क्लियर? क्लियर? तो जो इस पे जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोला जाता है? सेंटर। जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है, क्लियर, इस फिक्स डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। और जो उसने ये पार्ट ट्रेवल करा, ठीक है, ये जो पार्ट ट्रेवल करा है, इसे बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। क्लियर? तो एक सर्कल में क्या क्या है? एक सर्कल में है एक तो सेंटर फिक्स पॉइंट, ठीक है, एक रेडियस है जिसकी की लेंथ हमेशा सर्कल में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। मतलब अगर मैं ये देखूं तो ये भी आर का ही होगा, ये देखूं तो ये भी आर का ही होने वाला है, ये सब जगह आर का ही होने वाला है। क्लियर? ये सब जगह आर ही होगा। ये रेडियस हो गया। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? जो ये पाथ उसने ट्रैक किया है, जैसे पेरिमीटर होता है ना ट्राइंगल में, वैसे ही सर्कल के केस में क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है। क्लियर? और रेडियस हो गया और ओ क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, तो इस सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दिया जाता है आपके फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
स्क्वायर, क्लियर, पाई आर स्क्वायर, वेयर ये पाई क्या होती है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, या तो ये 22 बाई 7 होती है, और इसी का दूसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है 3.14। तो बेसिकली जब क्वेश्चंस आते हैं पाई से रिलेटेड तो उस पे ये बता दिया ही जाता है मोस्टली, अगर टिपिकल क्वेश्चन है कि आपने पाई को 3.14 लेकर करना है कि पाई को 22 बाय 7 लेकर करना है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई अभी तक, सर्कल, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, सेंटर एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या क्या चीज होती है सर्कल में, एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल ये बन गया, ठीक है। अगर मैं सर्कल पे एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दूं किसी भी दो पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कॉर्ड। क्या बोला जाएगा, ए बी को क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्लियर, ये सेंटर है। अगर कोई भी कॉर्ड, ठीक है, कोई भी कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए, कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है तो उस कॉर्ड को हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, सर्कल का कॉर्ड अगर सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये तो आर होता है, ओ बी तो ये तो रेडियस है सेंटर से, ओ ए बी क्या हुआ, रेडियस हो गया, ठीक है, तो ए बी कितना हो गया, 2 आर हो गया। इसका मतलब जो डायामीटर होता है, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। क्लियर, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाता है। क्लियर, ओके, एक और सर्कल बना के थोड़ा और देख लेते हैं और क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ी टर्मोलॉजीज है, यही क्लियर करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो आई नो आप लोगों को ये सब बातें पता ही होनी चाहिए, एकदम बेसिक की बात है। क्लियर, एक और सर्कल बना दिया मैंने। अच्छा, सर्कल पर दिस इज ए, दिस इज बी, क्लियर, दिस इज ए, दिस इज बी, तो मैं बोलूंगा इसे क्या बोलते हैं। क्लियर, खाली ये जो है ये स्माइली सा जो लग रहा है इसे हम बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ सर्कल। क्लियर, अच्छा, अब जो आर्क होते हैं आप लोगों के सर्कल के, वो दो टाइप के होते हैं। क्लियर, एक होता है आपका मेजर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। और एक होता है मेजर आर्क, क्लियर। आर्क ऑफ सर्कल में दो होते हैं, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। क्लियर, अच्छा, अब देखो क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। क्लियर, देखो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, एक डायामीटर ले लो, हल्का सा डॉट डॉट दिखा देता, ये डायामीटर है,
ठीक है, क्लियर। जब तक मेरे आर्क का लेंथ हाफ ऑफ सर्कल है, हाफ ऑफ सर्कल से कम है, ठीक है, जब तक मेरे सर्कल का आर्क हाफ ऑफ रेडियस से कम है, तब तक वो क्या रहता है? माइनर आर्क रहता है। ठीक है, जहां वो उससे बड़ा हो गया वो मेजर आर्क हो जाएगा। अब देखो इस पे क्या है, ए बी क्या है, इस पे माइनर आर्क है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं बी ए, अगर यहां से यहां बोलूं तो ये मेजर आर्क है, क्लियर। तो आप इसे क्या लिख सकते, ये वाला क्या है मेरा, माइनर आर्क है, क्लियर। और इस वाले की बात करूं तो ये क्या है मेरा, मेजर आर्क। क्लियर। अच्छा यही आर्क ऐसा होता, ठीक है, मैं बोलता भाई इसे बताओ, ये यहां से होता और ये यहां तक होता, मान लो ऐसा होता। देखो अब ए बी बड़ा है हाफ ऑफ सर्कल से, ज्यादा है, तो ए बी क्या होगा, मेजर आर्क होगा। और जो बच गया, क्योंकि वो हाफ ऑफ सर्कल से कम ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उस केस में, माइनर आर्क हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो ये सारे बात आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि भाई सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एरिया एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। क्लियर, सर्कमफ्रेंस मतलब यहाँ पे पैरामीटर से ही मतलब होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस को। क्लियर, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ये होती है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट को जो लाइन टच करे सर्कल में, दैट इज योर कॉर्ड। आर्क के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर सेक्टर। जब जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अवर सेक्टर, क्लियर। अच्छा ये देखो, ये एक सर्कल है, क्लियर, ये उसका सेंटर है। ठीक है, मान लो मैंने ए और बी पॉइंट लिया, इन दोनों आर को लिया, क्लियर, मैंने बोला ये एंगल क्या है, थीटा है, क्लियर, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो आपके अब सेक्टर भी ऑब्वियस है, दो टाइप के हो जाएंगे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है, बट उन सबको छोड़ो आप। तो ये जो बना, ये जो कौन सा बना, इसे हम बोलते हैं सेक्टर, क्या बोला जाता है इसे, सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये आर्क ए बी बना रहा है, आर कौन सा बना रहा है, ए बी बना रहा है, और ए बी क्या है मेरा, माइनर आर्क है, तो इसे बोले जाएगा हम माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, और इस वाले को क्या बोल सकते हैं, मेजर सेक्टर, जो ये, तो इसे अगर मैं बोलूं माइनर सेक्टर है ये, तो ये वाला जो है, ये जो बचा हुआ एरिया, ये क्या है मेरा, इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा इसके लिए, देखो एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, 360, तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री
माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। क्लियर? माइनस सेक्टर और मेजर सेक्टर डिपेंड करते हैं आर्क पे। अगर माइनर आर्क है तो वो माइनस सेक्टर बनाएगा, मेजर आर्क है तो वो क्या बनाएगा, मेजर सेक्टर बनाएगा। ठीक है, अब जो ध्यान वाली बात है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, और दूसरा होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर। ओके, देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, देखो ये है तो सर्कल का ही हिस्सा। ठीक है, सर्कल का कितना हिस्सा मैंने ले लिया, मैंने थीटा ले लिया। मैं इस वाले का देख रहा हूं, मैंने 360 में से थीटा ले लिया। ठीक है, कितना फ्रैक्शन ले लिया, मैंने थीटा ले लिया आउट ऑफ 360 डिग्री ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यही तो होगा। देखो मैंने पूरे सर्कल में 360 है, उसमें से मैंने थीटा एक एंगल पे उतना एरिया कवर कर लिया, तो कितना फ्रैक्शन ले लिया मैंने, थीटा बाय 360 ले लिया। किसका ले लिया, पूरा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर का ले लिया। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एंगल जो बना हुआ होता है, ठीक है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर के लिए क्योंकि एंगल मेरा ये है, तो आप लिख सकते हो इसके लिए क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ओके, सर्कमफ्रांस क्या होगा, सर्कमफ्रांस भी देखो, सर्कमफ्रांस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसके सर्कमफ्रांस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सर्कमफ्रांस क्या है, मैंने थीटा ले, थीटा बाय 360 हिस्सा ले लिया, फ्रैक्शंस ले लिया ऑफ किसका, 2πr का, यही तो ले लिया। तो जब मैंने ये ले लिया तो मुझे क्या हिस्सा मिल गया, मुझे ये तो मिल गया, मुझे ये वाला मिल गया। देखो क्लियर, मुझे इतना मिल गया ए बी, ये वाली लेंथ मिल गई। बट यार सर्कमफ्रेंस पे तो अब ये वाला भी तो ऐड होगा, ये जो है ये दो लेंथ, अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये दो आर भी तो ऐड होंगे आपके, तो इसमें क्या होगा, प्लस 2r। अब जाके ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर होगा। इसमें 2r वाले फैक्टर को ऐड करना है। ठीक है, बच्चे लोग यही ऐड करना भूल जाते हैं और इसी पे ही एग्जामिनर क्वेश्चन बना भी रहा है। क्लियर? ठीक है, और वही मेजर के लिए लिखना हो, क्योंकि मेजर में एंगल है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अगर मैं इतना करता हूं तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाती है, ये वाली लेंथ हो जाती है, प्लस ये भी तो करना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस के लिए, तो प्लस 2r। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब सेक्टर में दो केस, सेमी सर्कल, ठीक है, और क्वाड्रेंट। तो आप लोगों को मतलब इसके स्पेशल केस क्या बोलूं ऐसे ही पता होने चाहिए। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है लिख लो, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। क्या हो गया, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, मतलब अगर ये मेरा एक सर्कल है, ये सेंटर है,
ठीक है। अच्छा, जैसे सर्कल में कॉर्ड हम लोगों ने डिस्कस करा, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना, क्यों? उससे लंबा कोई कॉर्ड बन नहीं सकता है। क्लियर? अच्छा, ये मेरा डायमीटर है ए बी, ठीक है। तो डायमीटर ने क्या करा, इस सर्कल को दो हिस्से में मैंने तोड़ दिया। क्लियर? तो जो ये वाला हिस्सा है, हाफ ऑफ सर्कल है जो, ये इसे बोला जाता है सेमी सर्कल। क्या बोला जाता है इसे? सेमी सर्कल बोला जाता है। क्लियर? तो इसका ये ओ ए है, ये ओ है, ये बी है, ठीक है। ये रेडियस है और प्लस ये भी रेडियस है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सेमी सर्कल का एरिया बता दो? क्लियर? तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया तो होने वाला है सर्कल का आधा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसका पैरामीटर पूछे तो पैरामीटर कितना होने वाला है इस पे? देखो, पैरामीटर होने वाला है 2 पाई आर। अगर मैं करता तो पूरे सर्कल का मिल जाता मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 पाई आर पूरे सर्कल का हो गया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। मैंने इसे कर दिया डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मुझे ये वाला मिल गया, प्लस मुझे ये 2 आर भी तो ऐड करने पड़ेंगे। 2 आर मैंने ऐड कर दिया, ये स्मॉल आर है, ठीक है, कैपिटल लिख दिया मैंने गलती से। क्लियर? तो इसका पैरामीटर क्या बन गया? पैरामीटर बन गया इसका पाई आर प्लस 2, और इसका पैरामीटर बन गया। क्लियर? अच्छा, आप लोग क्या करना है, देखो सेमी सर्कल भी तो एक सेक्टर है। क्लियर? सेमी सर्कल इज ऑल्सो अ सेक्टर जिसपे की एंगल कितने का है? ये वाला एंगल, ये एंगल है आपका 180 डिग्री का, ठीक है। आप इसे थीटा को 180 डाल के एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी निकाल सकते हो। एरिया को 180 डाल के, थीटा को 180 डाल के, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद क्या कर रहा मैं, अगर सर्कल को आधे की जगह 1/4 कर दूं, आधे की जगह 1/4 कर दूं, तो ये वाला जो हिस्सा बना, इस हिस्से को बोला जाता है क्वाड्रेंट। इसे क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। क्लियर? इसे क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट पे एंगल क्या हुआ 1/4 पे? ये एंगल 90 डिग्री का होता है जब दो डायमीटर इंटरसेक्ट, नहीं जरूरी नहीं है। क्लियर? ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। आप थीटा को यहाँ पे 90 डिग्री डालो तो ये 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है ये कितने का है? 1/4 का है। ठीक है, तो ये आर है, ये भी आर है, तो इसका एरिया कितना होने वाला है? इसका एरिया देखो, चौथाई हिस्सा सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 4, और इसका पैरामीटर क्या होने वाला है? देखो, 2 पाई आर डिवाइड बाय 4। 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 करूंगा तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर?
बट इस पे मुझे ये दो आर भी तो ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि सर्कमफ्रेंस तो पूरा होता है, तो प्लस 2 आर। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल आ रही है, वो पता नहीं लिखने पे आर ही लिखा जाता है मुझसे। क्लियर? तो इसका अगर पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, पाई आर बाय 2 प्लस 2। क्लियर? क्लियर? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने सर्कल डिस्कस करा, उस पर देखा रेडियस, सेंटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया देखा हम लोगों ने, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस देखा 2 पाई आर देखा, उसके बाद हमने देखा कॉर्ड क्या होता है। मैंने बोला कॉर्ड अगर सेंटर से पास हो तो उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है, सेंटर का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्क, उस पे मैंने बोला अगर आर्क का लेंथ हाफ ऑफ सर्कल से बड़ा है तो उसे क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, वरना दूसरे को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्टर, सेक्टर पे मैंने बोला सेक्टर क्या हो का एरिया क्या होगा, थीटा बाई 360 फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, और अगर इसका पैरामीटर आता है तो थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 2 आर। 2 आर वाला फैक्टर क्यों आया ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, उसके बाद सेक्टर पे हम लोगों ने स्पेशल केस देखा सेमी सर्कल का, जिसपे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, दैट इज हाफ ऑफ योर सर्कल। उसके बाद देखा हमने क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, एक चौथाई ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसपे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डाल के आप एरिया ऑफ सेक्टर से उसका एरिया और उसके सर्कमफ्रांस को डिराइव कर सकते थे। क्लियर? ओके, अब देखते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, देखो इसका सर्कल में आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहां पर अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोगों को याद है, क्लियर, तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं, ट्रस्ट मी। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट, कौन कौन से ट्रिपलेट आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है, ये बताऊंगा। क्लियर? जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम उस पे इसे यूज करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट को ही यूज करेंगे क्वेश्चंस पे, जहां भी 90 डिग्री वाला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, होता क्या है ये देख लो। मान लो ये एक 90 डिग्री का आपके पास ट्रायंगल है ए बी, सी। क्लियर? ए बी सी एक 90 डिग्री का आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है, आपको पता है इस पे क्या होगा, ये हाइपोटेनस होता है, इसे हम बेस बोलते हैं, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर वेरी कर सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, बट हाइपोटेनस तो एक जगह पर ही रहता है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब देखो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्लियर? ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब सर्टेन ट्रिपलेट्स हैं जो पाइथागोरस थ्योरम की हमेशा मतलब तरह काम करते हैं, उन ट्रिपलेट को देखो, एक होता है 3, 4 और 5, सबसे कॉमन ट्रिपलेट। इसका मतलब अगर ये 5 है हाइपोटेनस, एक 3 है तो ये 4 है,
ठीक है, फाइव ये वाला होगा, लेंथेस्ट होता है ना हाइपोटेनस, ये फोर हो सकता है, ये थ्री हो सकता है, मतलब ये तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस फाइव ही होगा। तो ये एक ट्रिपलेट है, दूसरा ट्रिपलेट कौन सा है आपके पास, फाइव 12 13, ठीक है, देख लो, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है ना 169, 169 आ जाएगा। तीसरा जो ट्रिपलेट आप लोगों ने याद रखना है वो रखना है 8 15 और 17 का, ये ट्रिपलेट याद रखना है आप लोगों ने। तीसरा, चौथा ट्रिपलेट याद रखना है आप लोगों ने 7 24 और 25, क्लियर, ये चार ट्रिपलेट आप लोगों ने याद रखने हैं, 3 4 5, 5 12 13, 5 8 15 17 और 7 24 25, क्लियर। अच्छा एक और बात, अगर जो ये ट्रिपलेट है इसे किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी खुद में एक ट्रिपलेट ही होते हैं, क्लियर। इसका मतलब अगर 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है, मैं इसे इंटू टू कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। मैं इसे इंटू थ्री कर दूं, देख लो, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसे इंटू थ्री कर दूं तो ये आ जाएगा 9 12 15, ये भी एक ट्रिपलेट है। 225 इज इक्वल टू 81 प्लस 44, ये भी 225 है। इंटू फोर कर दूं तब भी ये ट्रिपलेट है, मतलब 12 16 20, ये एक ट्रिपलेट है, क्लियर। इसका अप्लीकेशन जो है ट्रिपलेट का वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, अप्लीकेशन ऑफ ट्रिपलेट, और क्वेश्चंस थोड़े से मतलब थ्योरम्स देखेंगे जो सर्कल में है, बट अभी के लिए आप लोग ये याद रखिए, ये ट्रिपलेट आप लोगों को क्या है, बहुत ही कंफर्टेबल जोन पे ले जाने वाला है, क्लियर। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके दो साइड दिए होंगे, आप लोगों को बोला होगा यार एक 15 है एक 12 है, तीसरा क्या होने वाला है, क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप तो पाइथागोरस थ्योरम का इम्प्लीकेशन देखते हो, अगर आप देखो कि यार ये 3 के मल्टीपल्स है दोनों, ठीक है, इस दोनों पे 3 यूज हुआ है, इसे मैं सिंप्लीफाइड करूं तो आप बोलोगे यार ये क्या है, ये तो मेरा 5, ठीक है, 5 4 वाला ट्रिपलेट है, ठीक है, तो 5 4 वाला है, तो आप बोलोगे एक्स क्या होने वाला है, 3 होने वाला है, क्योंकि अब ये इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 9 है सिंपली, क्लियर, ठीक है। अभी अभी आप बस ये याद रख लिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये चार जो ट्रिपलेट मैंने आप लोगों से डिस्कस किए फॉर द टाइम बिंग इस लेक्चर के लिए, आप लोग खाली इतना ही रखे दिमाग में कि ये मेरे ट्रिपलेट है, इनके यूजेज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा, कि अगर आप लोगों को ट्रिपलेट आते हैं तो आप कैसे वर्बली क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिन पे 90 डिग्री वाला केस बनता है, क्लियर। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 और 7 24 25, क्लियर। ओके, ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है, होपफुली आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्लिक करें शेयर पे, ठीक है, और शेयर करें, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम्स देखेंगे और ट्रिपलेट के अप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू।